देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके विषय में लगभग रोज लोगों के बीच में चर्चा रहती है कि कांग्रेस की बदहाली के कौन लोग कारण हैं, कांग्रेस क्यों उभर नहीं पा रही, इसके पीछे कौन लोग हैं, कांग्रेस की लीडरशिप के अंदर क्या समस्या है, और अब कांग्रेस के विषय में जो बातें सामने आ रही हैं उससे ये लगता है कि कांग्रेस में ना सिर्फ लीडरशिप का क्राइसिस है, कांग्रेस के पास आइडियाज का भी क्राइसिस है। कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव इस हद तक खत्म हो गया है कि उनके पास कोई अपना मैकेनिज्म भी नहीं बचा कि वो ये जान पाए कि लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। और इसका सबसे बड़ा जो कह सकते हैं सबूत पब्लिक डोमेन में जो आता है वो ये है, देश की सबसे पुरानी पार्टी देश की सबसे नई उभरती हुई ग्रो करती हुई पार्टी से आइडियाज और मैनिफेस्टो तक चुराने लगी है। मैं देख रहा था कि क्या कोई तरीका है कि हम अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को कॉपीराइट करा लें कि कोई और ना चुरा पाए। हमने देखा अरविंद केजरीवाल ने पहली बार यह कहा कि भाई इलेक्शन मैनिफेस्टो तो झूठे होते हैं, हम जो बात इलेक्शन के अंदर अपना वादा करेंगे वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल खड़े होकर कह रहे हैं ये चीजें मैं पूरी करूंगी करूंगा। और कांग्रेस इस शब्द गारंटी तक को चुरा चुकी है। हिमाचल के अंदर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को गारंटी कहा। जब आम आदमी पार्टी पहली बार ये बात लेके आई कि दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे और 400 यूनिट तक आधे दाम पे देंगे, तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा दिल्ली में हमारा मजाक उड़ाया और विरोध किया। जब उससे पहले हमने इलेक्शन लड़ा और हमने कहा कि हम बिजली हाफ पानी माफ करेंगे, तो कांग्रेस के सभी नेता जिसके अंदर अजय माकन आदि शामिल हैं, इन सब ने इसका पूरा विरोध किया और मजाक उड़ाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल को न राजनीति आती न सरकार चलाना आता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनको तो पता ही नहीं है सरकार कैसे चलती है, कांग्रेस को पता है ऐसे मुफ्त नहीं दिया जा सकता। ये विरोध आज भी इंटरनेट पे इनका दर्ज है, आप ढूंढ सकते हैं। और अब क्या किया इन्होंने, हिमाचल प्रदेश के अंदर जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गारंटियों की कॉपी की। उन्होंने कहा 300 यूनिट तक बिजली हिमाचल में मुफ्त देंगे, जैसे पंजाब में हमने कहा कि महिलाओं को मासिक भत्ता सरकार की तरफ से दिया जाएगा, तो कांग्रेस ने पंजाब में हमारा खूब मजाक उड़ाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चन्नी हो, सिद्धू हो, सब लोग कहते थे तो हो ही नहीं सकता, ये तो सरकार बनाने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वही महिलाओं के मासिक भत्ते को इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर अनाउंस किया और कर्नाटक के अंदर अनाउंस किया। आपने भाई क्यों किया? तीसरी भी बात, महिलाओं की मुफ्त यात्रा, कांग्रेस ने खूब विरोध किया। फिर हिमाचल में आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से चुरा के हिमाचल के अंदर कहा कि हम भी महिलाओं को मुफ्त यात्रा देंगे। कर्नाटक से खबर आ रही है कि उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है, हालांकि उन्होंने कई सारी कंडीशंस लगाई हैं कि हम कांग्रेस की सरकार के अंदर कर्नाटक के अंदर मुफ्त बस यात्रा देंगे। और ये बहुत गंभीर बात है
कि कांग्रेस के पास आज अपने ऐसे लोग भी नहीं बचे जो जनता के साथ बात कर सकते हो, जनता के कांटेक्ट में रह सकते हो और जनता के लिए एक अपना ओरिजिनल मैनिफेस्टो बना सकें। ये हालत भी आज कांग्रेस के अंदर नहीं बची है। ये बेसिक क्वालिफिकेशन भी आज कांग्रेस के अंदर खत्म हो गई है और हर चीज को कॉपी करने की, कह सकते हैं सीसीसी कॉपी कैट कांग्रेस, हर चीज को अरविंद केजरीवाल से जो है चुराते हैं। भाई अगर आपसे पार्टी नहीं चल रही, आपसे के पास आइडिया नहीं है, आपके पास मैनिफेस्टो अपना ओरिजिनल नहीं है, आप सर सब चीज जो है अरविंद केजरीवाल से चुराते हैं, तो बहुत जो है बहुत गंभीर बात है कांग्रेस के लिए। मैं एक बार ये भी कहूंगा, प्रियंका जी भी अपनी तरफ से दो शब्द जो है इसमें कहेंगे। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्ते। सौरभ जी की बात को ही आगे ले जाते हुए मैं अभी देख रही थी कि हार्वर्ड में भी एक स्टडी हो चुकी है कि कांग्रेस के पतन का कारण क्या है, और उनके पास ऐसे कार्यकर्ता रहे जो हमें याद है, जैसे पंजाब में चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया और फिर वो बुरी तरह हमसे पंजाब में हार गए, चाहे उन्होंने हमारी गारंटी कॉपी की नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, हार गए। बहुत ही आज तक की वर्स्ट डिफीट कांग्रेस की पंजाब में हमारे हाथों हुई। उसके बाद उन्होंने देश छोड़ दिया, जो कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता करते हैं, और जाकर एक थीसिस लिखी जिसमें फिर पीएचडी करी कि कांग्रेस की पोल स्ट्रैटेजी क्या है। तो उसमें भी उन्होंने बहुत लंबा विवरण किया है कि कांग्रेस कैसे अपने लोगों से बिल्कुल संपर्क में नहीं रहती, बिल्कुल कार्यकर्ताओं से संपर्क में नहीं है, टॉप लीडरशिप से संपर्क में नहीं है, सिर्फ चुगलखोरी की राजनीति चलती है वहां पर। तो उन्होंने भी जल्द में जरूर हमें कॉपी कर लिया है इस बार, बट मेरा ऐसा मानना है कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की फाइनेंशियल जो प्रूडेंस है, जो फिस्कल प्रूडेंस है, जो एक मुनाफे का बजट पेश कर सकती है लगातार अपने लोगों को सुविधाएं देकर जनता के पैसे से, जैसे हम दिल्ली में करते हैं, जैसे हम पंजाब में करना शुरू कर चुके हैं। तो कर्नाटक में जो खबर आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स रोके जा रहे हैं ताकि फंड्स यहाँ पर अपने पोल प्रॉमिसेस को पूरा करने के लिए हो पाए। तो इस कॉपी करना तो आसान है, पर नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, जो आज की कांग्रेस में काफी लैकिंग लगती है। जय हिंद। कांग्रेस में अक्सर डिसीजंस देरी से होते हैं उनकी, तो गोवा के अंदर सरकार नहीं बन पाई थी, वो सोचते रह गए थे बीजेपी सरकार बना के लेंगे। आपको लगता है कि जब से तो देखिए उनका इंटरनल मामला है। एक सवाल ये है कि आप भी गारंटी की बात कर रहे हैं, उधर वो भी गारंटी की बात कर रहे हैं, लेकिन 320 की बात काफी चर्चाओं में है। बीजेपी बार बार ये कहती है कि आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट के देश पर बात कर रहे हैं, आपके लिए भी कह रहे हैं और कांग्रेस के लिए भी कह रहे हैं, तो आप इस पूरे बयान किस तरीके से, ये फैसला जनता को करना है कि क्या देश के लोगों को वेलफेयर स्कीम्स देना मुफ्त की रेवड़ी है, या बड़े बड़े अरबपति उद्योगपतियों को उनकी ऋण माफी कर देना मुफ्त की रेवड़ी है। ये फैसला तो देश की जनता को करना है। जितने पैसे के अंदर करोड़ों लोगों की मुफ्त बिजली आ सकती है, मुफ्त बस के अंदर यात्रा आ सकती है, मुफ्त पानी आ सकता है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा केंद्र सरकार ने भारतीय जनता पार्टी से दोस्ती रखने वाले, प्रधानमंत्री जी से दोस्ती रखने वाले उद्योगपतियों का माफ किया है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। सर जी, एक सवाल ये है कि 23 जून को जो बिहार में बैठक होनी है कोशिश की, उसका कांग्रेस ये बात कर सकती है, और ये कांग्रेस की तरफ से तमाम नेताओं ने एक स्टेटमेंट भी दिया, ये कहा जा रहा है कि एमपी और राजस्थान में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, ऐसे में अपोजिशन ही अपोजिशन का वोट काटेगा, तो एक साथ आने का क्या मतलब है? नहीं, हम तो ये बात एक बात बताइए, 2015 में कांग्रेस की सीट जीरो, 2020 में दिल्ली में कांग्रेस की सीट जीरो,
तब भी वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं वो यहाँ चुनाव? वो कह दें कि पंजाब और दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम भी कह देंगे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हम भी लड़ेंगे। आइए टेबल पे आके बातचीत तो कीजिए। देखिए बड़ा मामला अब ये है कि अगर विपक्षी दल एक होके नहीं लड़ेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष को कुचलने में लगी हुई है, साम दाम दंड भेद सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के यहाँ लग रहे हैं और उनको जेल में ठूसा जा रहा है, इसकी पूरी संभावना है कि अगर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो सारे के सारे संविधान को बदलकर डिक्लेयर कर देंगे कि अब जब तक मोदी जी जीवित रहेंगे वही इस देश के राजा बने रहेंगे। और इस देश के अंदर जो हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानियां देके ये आजादी पाई है वो आजादी जो है इस देश से खत्म हो जाएगी। सौरभ कल सीएम ने ये बात भी कही कि जो अधिकारी हैं या सेक्रेटरी हैं वो अपने आप को बॉस समझ रहे हैं मंत्री के, ये जो स्थिति बन गई है इस पर आपका क्या कहना? देखिए केंद्र सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार ठप हो जाए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो लोगों के लिए अच्छे काम करती है, मुफ्त बिजली है, मुफ्त पानी है, मुफ्त वर्ल्ड क्लास शिक्षा है, मोहल्ला क्लिनिक्स में मुफ्त उपचार है, मुफ्त डायग्नोस्टिक है, मुफ्त दवाइयां हैं, इन सब चीजों को बंद करना चाहती है। डायरेक्ट एलजी या भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर दखल देके देख चुकी है, उनकी जनता में बदनामी होती है। अब अफसरों के जरिए इन सब कल्याणकारी चीजों को बंद करने की कवायद बहुत युद्ध स्तर पर शुरू हो चुकी है। बार बार अफसरों के जरिए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को ठप करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में जो मुफ्त टेस्ट किए जाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जो मुफ्त सर्जरी की जाती है उसको ठप करने की कोशिश दिल्ली सरकार में अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार करने की कोशिश कर रही है। जहां जहां पे भी गरीब लोग आइडेंटिफाइड जे क्लस्टर्स के अंदर रह रहे हैं, झुग्गियों के अंदर रह रहे हैं, वहां पे डूसिम के अधिकारियों के साथ मिलके केंद्र सरकार उनको उजाड़ने की पूरी साजिश रच रही है। ऐसा भी देखा गया कि डूसिम के अधिकारियों ने झूठे एफिडेविट कोर्ट के अंदर देके गरीब लोगों के आशियाने उजाड़ दिए। तो ये चीजें रैंडमली नहीं हो रही, ये चीजें केंद्र सरकार के इशारे पे एक षड्यंत्र के तहत हो रही है।